नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ शालिनी झा। उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ते लव जिहाद के मामले एक बहुत बड़ा चिंता का विषय बनता जा रहा है। एक तरफ तो योगी सरकार इस पर नकेल कस रही है, तो वहीं दूसरी तरफ जिहादी बार बार लव जिहाद को अंजाम दे रहे हैं। कानपुर, बरेली, मऊ, बिजनौर और अब यूपी के एक और जिले से जहां से लव जिहाद का बेहद शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। अब नया मामला यूपी के हरदोई से आया है, जहां एक हिंदू नाबालिग लड़की ने दुष्कर्म और जबरन धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज करवाई है। लड़की का आरोप है कि आजाद मोहम्मद नाम के एक लड़के ने उससे पहले बातचीत शुरू की और जैसे जैसे बात आगे बढ़ी, लड़के ने उसे अपने प्रेम जाल में फंसाया। फिर 2 साल तक शादी के बहाने उसके साथ बार बार दुष्कर्म करता रहा और उस लड़की का उसने वीडियो बना लिया। उसके कुछ समय बाद उसने लड़की पर शादी के लिए इस्लाम कबूलने का जोर डाला। जब लड़की ने इसका विरोध किया तो मोहम्मद ने उसके अश्लील फोटो को वायरल करने की धमकी दे डाली। पुलिस ने 10 दिसंबर को आरोपी के खिलाफ बलात्कार और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। इसके बाद पीड़िता के बयान के आधार पर पुलिस ने उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 3-5 की धारा भी जोड़ी और आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। दर्ज एफआईआर के अनुसार नरही के रहने वाले आजाद मोहम्मद ने 2 साल पहले गांव की ही एक नाबालिग को अपने प्रेम जाल में फंसाया। उसने शादी का झांसा देकर लड़की का शारीरिक शोषण किया और मौके का फायदा उठाते हुए उस दौरान उसकी अश्लील वीडियो भी बना ली। लेकिन जब लड़की ने उससे शादी की बात कही तो वो बार बार इसे टालता रहा। 30 नवंबर को वह शादी के लिए तैयार हुआ और कोर्ट मैरिज के लिए लड़की को हरदोई लेकर गया। शादी से पहले उसने लड़की से धर्म परिवर्तन कर निकाह करने के लिए कहा, जिसका लड़की ने कड़ा विरोध किया। लड़की के मना करते ही आजाद मोहम्मद ने उसे वीडियो वायरल करने की धमकी दी, लेकिन फिर भी वह तस से मस नहीं हुई। फिर आजाद उसे कोर्ट में छोड़कर वहां से चला गया। इससे नाराज लड़की ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। एसपी अनिल कुमार यादव ने बताया कि लड़की की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए आरोपी आजाद को बुधवार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। धर्म परिवर्तन अध्यादेश 2020 के अंतर्गत हरदोई जिले की ये पहली गिरफ्तारी है, जिसके बाद आगे की जांच जारी है। देखा जाए तो जब जब लव जिहाद पर सख्ती की बात आती है तो लिबरल गैंग से बीजेपी और हिंदू संगठनों का दुष्प्रचार बताता है। वे इसे समस्या मानने से ही इनकार कर देता है, लेकिन इसके खिलाफ एक शब्द नहीं कहता। आए दिन एक ना एक लव जिहाद का मामला सामने आ रहा है और ये गैंग चुप्पी साधे बैठे हैं। बहरहाल, खबर पर आपकी जो भी राय हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें वीके न्यूज़। धन्यवाद।